पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है जबरदस्त गजल गायक और प्लेबैक सिंगर भूपिंदर सिंह की। जिसका अल्हबेली है, जिसका नाम खेवैया है, जिन्हें सभी लोग प्यार से भूपी जी कहकर पुकारते हैं। भूपिंदर सिंह साहब का जन्म 6 फरवरी सन 1940 में हुआ। जगह अमृतसर, पंजाब। इनके पिता का नाम रहा प्रोफेसर नाथा सिंह जी। इनके वालिद साहब खुद एक प्रशिक्षित गायक थे और शुरुआती दौर में भूपिंदर सिंह साहब ने अपने पिताजी से ही संगीत सीखा। चूंकि इनके पिताजी निहायत ही सख्त मास्टर थे, तो भूपिंदर सिंह साहब को शुरुआती दौर में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। धीरे धीरे भूपिंदर सिंह ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से जुड़ गए। तब तक कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि भारतीय सिनेमा की सबसे मुख्तलिफ और महान आवाजों में इनकी आवाज शुमार हो जाएगी। पंजधार से निकले साहिल, अंधियारा दीप जलाए। ये बतौर म्यूजिशियन काम करते रहे और बतौर गिटारिस्ट इनके हुनर को सभी ने सलाम किया। एक अजब इत्तेफाक रहा कि सन 1962 में महान संगीतकार मदन मोहन साहब दिल्ली गए, जहां पर भूपिंदर सिंह साहब के एक जानकार सतीश भाटिया साहब ने एक खाने का कार्यक्रम रखा। सतीश भाटिया उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के एक बड़े जबरदस्त प्रोड्यूसर रहे। मदन मोहन साहब से भाटिया साहब ने कहा कि ये भूपी बहुत अच्छा गाना गाता है, मदन जी एक बार इसकी आवाज भी सुनिए। भूपिंदर सिंह साहब ने गाने गाए और मदन मोहन साहब इतने मुतासिर हुए कि इनसे कह दिया कि अब तुम्हें मुंबई आना होगा, मैं तुम्हें यकीनन एक ब्रेक दूंगा। पर तब भूपिंदर सिंह साहब को ये यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से कलाकार मुंबई से दिल्ली आते और इनसे अक्सर वादे करके चले जाते और इन्हें भूल भी जाते। तो कुछ वक्त के बाद मदन मोहन साहब ने इन्हें बोला, तुम्हारे लिए गाना तैयार है। भूपिंदर सिंह यकीन ना कर सके, इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये मुंबई जा सकते। तब इन्होंने अपनी बहन से चंद रुपये उधार लिए और ये मुंबई पहुंच गए। इन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इन्हें बतौर प्लेबैक सिंगर मौका मिल रहा है और पहला गाना ही बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। यह एक समूह गान था। इनके सामने थे मोहम्मद रफी, तलत महमूद और मन्ना डे। फिल्म हकीकत का ये गाना कोई नहीं भूल सकता। हो के मजबूर मुझे। इस बात पर भी गौर करना होगा कि चेतन आनंद साहब ने इन्हें फिल्म हकीकत में एक रोल भी दिया था। फिल्म हकीकत की शूटिंग लद्दाख में हुई, पर चूंकि इन्हें एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए कुछ वक्त के बाद जैसे ही इन्हें मौका मिला, ये लद्दाख से दिल्ली चले गए और फिर लौट कर ही नहीं आए जब तक फिल्म रिलीज ना हो गई। फिल्म हकीकत के गाने हिट हुए और उसके बाद महान संगीतकार खय्याम ने इन्हें फिल्म आखिरी खत में एक गाना दिया। इस बीच ये कुछ प्राइवेट एल्बम्स भी निकालते रहे, जहां पर इनकी गाई गजलें, इनके द्वारा रचे हुए गाने रिलीज होते थे। मशहूर नज्म बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ये दरअसल पहले भूपिंदर सिंह साहब ने गाई थी और उसके बाद जगजीत सिंह साहब ने। अजब इत्तेफाक रहा, जगजीत सिंह साहब का गाया हुआ वर्जन आगे जाकर बहुत मकबूल हुआ। ये उस जमाने के महान संगीतकार एसडी बर्मन के यहाँ बतौर गिटारिस्ट काम करने लगे और उनके असिस्टेंट आरडी बर्मन के साथ इनकी गहरी दोस्ती हो गई। ये किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा कि जब पंचमदा फिल्म परिचय का संगीत दे रहे थे, तो एक दिन एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद किशोर कुमार साहब ने पंचमदा से कहा कि अरे पंचम, अरे भाई जो अगला गाना है वो उसमें जरा शास्त्रीय संगीत का पुट ज्यादा है, ये भूपिंदर भी तो गाने गाता है, भूपी से क्यों नहीं गवा लेते। भूपिंदर सिंह साहब उस वक्त अपना गिटार पैक कर रहे थे। इन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि किशोर कुमार जैसे महान गायक ये कह रहे हैं कि आने वाले गाने इस फिल्म के भूपिंदर से गवा लो। ठीक वैसा ही हुआ। बीती ना बिताई रहना के लिए इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया और फिर तो गुलजार साहब के लिखे और पंचमदा के बनाए बहुत से गाने भूपिंदर सिंह साहब ने ही गाए, जैसे कि दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन, नाम गुम जाएगा और जयदेव साहब के बनाए हुए गाने दो दीवाने शहर में। देखते ही देखते भूपिंदर सिंह साहब ने बतौर म्यूजिशियन काम करना बंद कर दिया और प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में ये छा गए। 80 के दहाई के मध्य में इनकी शादी हुई बांग्लादेशी गायिका मिताली मुखर्जी के साथ। अपनी बीवी के साथ मिलकर इन्होंने बहुत से गजल के कार्यक्रम किए। इस शादी से इन्हें बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया निहाल सिंह, जो आगे जाकर खुद एक साजिंदा बना। यकीनन भारतीय सिनेमा में सबसे मुख्तलिफ आवाजों में से अगर कोई एक आवाज है तो वो भूपिंदर सिंह साहब की आवाज है। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।